विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला की तैयारी का निरीक्षण करने शुक्रवार को उप विकास आयुक्त संजय कुमार सिंह मुंगेर जिला सीमा प्रारंभ कच्ची कांवरिया पथ कमरान मोड़ के समीप पहुंचे। निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य, बिजली, पीएचडी सहित अन्य विभाग के अधिकारियों के साथ साथ जिला एवं तारापुर अनुमंडल एवं प्रखंड के पदाधिकारी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। निरीक्षण के दौरान उप विकास आयुक्त ने कच्ची कांवरिया पथ पर बिछाए गए बालू, शौचालय, चापाकल, बिजली एवं निर्माण हो रहे स्वास्थ्य शिविर, पुलिस शिविर का जायजा लिया और मेला के पूर्व कार्य पूर्ण कर लेने का निर्देश दिया। वहीं बिजली विभाग के अधिकारियों को श्रावणी मेला में 24 घंटे बिजली आपूर्ति बहाल रखने का निर्देश दिया। इस मौके पर सिविल सर्जन डॉक्टर पीएन सहाय, अनुमंडल पदाधिकारी राकेश रंजन, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी निरंजन चौधरी, सहायक विद्युत अभियंता अमित कुमार, बीडीओ प्रवीण कुमार, संजय कुमार, बीपीओ अमित कुमार, कार्यपालक अधिकारी रूपा कुमारी, कनीय अभियंता प्रीतम राज सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। पहले भी जिला पदाधिकारी महोदय के साथ हम लोग कर चुके हैं, जो डायरेक्शन उनके द्वारा दिया गया था लगभग सभी विभागों ने अब तक पूरा कर लिया है। और कुछ चीज़ें हैं जब वो पुलिस हमको लगता है कि जब यहाँ कैंप करेगी तब वो काम होगा। जैसे यहाँ मोटर लगाने का काम आप देख रहे हैं कि बगल में झरना का काम होगा तो उसमें जो मोटर लगेगा तो फिर उसकी सुरक्षा भी हो, उसमें समय नहीं लगेगा, 2 से 3 घंटे में वो लग जाएगा, तो वो सब लगा दिया। मुख्य चीज़ें सर हम लोग आगे देख रहे हैं, मुख्य चीज़ें सर पेयजल और बिजली की व्यवस्था को लेकर सर क्या जैसा? बिजली की व्यवस्था तो कार्यपालक अभियंता ने श्योर किया है कि निर्बाध रूप से बिजली आपूर्ति की जाएगी और हम लोग बैकअप में जनरेटर की व्यवस्था समूचे 26 किलोमीटर पर हम लोग रखे हैं। जैसे ही अगर ब्रेक डाउन होता है बिजली तो हम लोग जनरेटर की सुविधा देंगे और मतलब रोशनी में कहीं कोई कमी नहीं। सर चापाकल बहुत जगह बंद पड़े हुए हैं तो उसकी स्थिति अभी क्या है? अभी हम लोग उसी को ये करेंगे। चापाकल तो जैसा कि हम मुझे बताया गया है कि एक कितने चापाकल हैं हम लोगों का 100 से अधिक है, 105 हैंड पंप हैं और अभी हम लोग देखेंगे, अभी बताया जा रहा है कि वो सभी चालू कर दिया गया या जो अभी चालू नहीं हुआ है वो किया जा रहा है, तो वो 105 हैंड पंप जो है वो रहेगा, चालू रहेगा। R9 भारत के लिए राजेश चौधरी की रिपोर्ट, मुंगेर, बिहार।